आप सबको जय मसीह की आज शाम की प्रार्थना में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, तो प्रार्थना को पूरी जरूर सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा और लास्ट में आमीन जरूर बोलिएगा। तो चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे ईश्वर के पिता, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की जयकार हो पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति और बढ़ाई हो पिता परमेश्वर, क्योंकि तुम महिमा करने के योग्य है पिता परमेश्वर, तारीफ करने के योग्य है, प्रशंसा करने के योग्य है, तेरे नाम की स्तुति और बढ़ाई हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की जयकार हो पिता परमेश्वर, जो हम सबको पिता परमेश्वर सुबह से लेकर शाम तक जीवित रखा, संभाल कर रखा पिता परमेश्वर, हर एक पाप से संगति से बुरी संगति से हम सबको बचा के रखा पिता परमेश्वर, छिपा के रखा मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, अपने ऊंचे स्वर से पिता परमेश्वर तेरे नाम का जयकार करूंगी पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन और मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा यहोवा, अपने पवित्र स्वर्ग से मेरी प्रार्थना को सुन हे पिता परमेश्वर, जो दिन भर जीवित रखा है तेरी इच्छा से पिता परमेश्वर, मैं शाम को देख पाई हूँ पिता परमेश्वर तेरी इच्छा से पिता परमेश्वर, हर एक मसीह जीवित है जिंदा है पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनको बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर, वो तेरे प्रेम और पहचान में पढ़े कि सच्चा खुदा कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, संसार में नाम तो अनेक है लेकिन सच्चा परमेश्वर यीशु ही मसीह है, वही सच्चा परमेश्वर हो जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और इस समय वो स्वर्ग में विराजमान है। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो आप में विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर और आपके अनुसार वो चलते हैं पिता परमेश्वर, वचन के अनुसार दिन काटते हैं, वचन के अनुसार वो चलते हैं पिता परमेश्वर, उन पर आशीष फले पिता परमेश्वर, वो फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, जो तुझ में है पिता परमेश्वर, जो तुझ पर विश्वास करता है वो फलता है पिता परमेश्वर, और जो तुझ पे विश्वास करके भी वो नहीं फलता है तो उसे तू काट डालता है, वो आग में झोंका जाता है, और जो तुझ पर विश्वास करता है वो फल लाता है, वो फलता है तो उसे छाटता है पिता परमेश्वर, ऐसा तेरा कलाम कहता है, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी की बातें टल जाएंगी लेकिन यहोवा का वचन और यहोवा की बातें कभी नहीं टलेंगी, वचन में जो हर एक बार लिखी होगी वो आगमन के दिन पूरी होगी और पूरी हो रही है, मेरे यहोवा मेरे सच्चे परमेश्वर पे विश्वास करो और उसी के अनुसार चलो, वो हमें नर्क में डालना नहीं चाहता, वो हम सबको बचाना चाहता है, हम सबसे बहुत प्रेम और बहुत प्यार करता है, मेरा यहोवा बहुत महान है, बहुत प्रेम करता है हम सबसे, हमारे और आपके लिए उसने सूली पर कुर्बान हुआ, अपने हाथों में उसने कीले ठुकवाए हैं, हमारे लिए और आपके लिए उसने कोड़े खाया है, उसके मुंह पे थूका गया है, उसने हमारे लिए और आपके लिए बहुत दर्द दुख उठाया है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, यहोवा पर विश्वास करो उसी के अनुसार चलो, वो बहुत हमसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि हम सब नर्क जाए, वो हमसे हम सबको बचाना चाहता है, वो हमसे बहुत प्रेम और बहुत प्यार करता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, परमेश्वर ने बहुत हम सबसे प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया यीशु मसीह को, और वो हमारे और आपके लिए उस सूली पर कुर्बान हुआ, हमारे और आपके लिए उसने लहू बहाया है, अपना पवित्र लहू बहा के हम सबको मूल्य खरीदा है, हम यहोवा के हैं, शैतान के नहीं, शैतान के बंधनों से यीशु मसीह जो हर एक लोग पिता परमेश्वर, हर एक मसीह आज भी पिता परमेश्वर शैतान के बंधन में जकड़े हुए हैं, शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह आपके समर्थित नाम से खुदा यीशु मसीह आपके दलाली नाम से प्यारे प्रभु जी, वो सारे शैतान के बंधनों से आजाद हो सके, हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु जी वो सारे बंधनों से खुल सके, आजाद हो सके पिता परमेश्वर, वो बंधनों से छुटकारा पाए, खुल सके वो सारे बंधनों से, अपने तेरे नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई करे मेरे प्यारे प्रभु जी, उस शैतान को पिता परमेश्वर आपके समर्थित नाम से मैं डांटती हूँ, उनके जीवन से उनकी लाइफ से कोसों दूर होने पाए पिता परमेश्वर, हम सबको शैतान के चंगुल से पिता परमेश्वर, शैतान के एक छाया से हम सबको छिपा पिता परमेश्वर, छिपा के रख पिता परमेश्वर, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखे तले छिपाती है पिता परमेश्वर, उसी तरह तो हर एक मसीह को, हर एक मसीह भाई बहनों को पिता परमेश्वर अपने आड़ में छिपा के रख, ताकि शैतान की छाया उस पर न पड़ने पाए पिता परमेश्वर, प्रभु जी वो सारे रोगों सारी बीमारियों से चंगे होने पाए पिता परमेश्वर, उनको शिफा रिलीज होने पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मेरे स्वर्ग पिता आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की तारीफ है मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तो महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य पिता परमेश्वर, तेरे नाम के जयकार हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम के सारा देश पिता परमेश्वर, सारा संसार तेरे नाम के झंडे खड़े करे पिता परमेश्वर,
तो ही एक सच्चा परमेश्वर है। अपने पवित्र स्वर्ग से मेरी प्रार्थना की और कान लगा मेरे प्यारे प्रभु जी, जो इस समय मेरी प्रार्थना को सुनते हैं पिता पुरुषर, उनके जीवन में पिता पुरुषर शिफा रिलीज होने पाए, चंगाई रिलीज होने पाए पिता पुरुषर, वो सारे रोगों से आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो सारे रोगों से सारी बीमारियों से आजाद होने पाए। हालेलुया प्रभु, जिनकी सारी बीमारियों को चंगा कर, सारे रोगों को सारी बीमारियों को चंगा करने वाला यहोवा तू है, मुर्दों को जीवित करने वाला यहोवा तू है। शैतान तेरे सामने थरथराता और कांपता है पिता परमेश्वर, तू पवित्र है, उसी तरह हम सबको पवित्र बना पिता परमेश्वर, ताकि तेरे सामने खड़े होने की योग्य बने पिता परमेश्वर। जिस तरह तूने दूसरों से प्रेम किया उसी तरह हम सबको सिखा, ताकि हम भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने पिता परमेश्वर। हमारे हाथ पिता परमेश्वर देने वाले बना, लेने वाले नहीं पिता परमेश्वर। हम 200-300 रुपए के लिए पिता परमेश्वर किसी के आगे हम सब हाथ न फैलाने पाए पिता परमेश्वर, हम सब की सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। अनाथों का पिता तू है, विधवा का मुकदमा लड़ने वाला यहोवा तू है, तू सबका परमेश्वर है, तू ही एक सच्चा परमेश्वर है, जो ठुकराए हुओं को बल देता है, सामर्थ्य देता है पिता परमेश्वर। तू महान है पिता परमेश्वर, तू दयालु है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो इस समय प्रभु जी रास्ते में आते जाते हैं पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा उनकी मदद कर पिता परमेश्वर, आने जाने में उनकी सहायता मदद कर पिता परमेश्वर, ताकि वो अच्छे से आ सके जा सके पिता परमेश्वर, उन पर तेरा आशीष और दया का हाथ बना रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो रात को सोते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें शैतान पिता परमेश्वर डराता धमकाता है पिता परमेश्वर, उन्हें गंदे ख्याल गंदे सपने आते हैं पिता परमेश्वर, वो तो सारा शैतान का किया हुआ है पिता परमेश्वर। आपके समर्थ नाम से पिता परमेश्वर, उसके जीवन से उनकी उसकी लाइफ से पिता परमेश्वर, सारे दुष्ट आत्माओं का प्रभाव, सारे दुष्ट आत्माओं का चाल पिता परमेश्वर उसके जीवन से कोसों दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से, कोसों दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और शिफा रिलीज होने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक मसीह पिता परमेश्वर तेरे प्रेम और तेरे पहचान में बढ़े पिता परमेश्वर, वचन में मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर, और वचन के अनुसार प्रतिदिन बढ़े पिता परमेश्वर, और वचन के अनुसार चले पिता परमेश्वर, उसको वचन में मजबूत कर स्थिर कर पिता परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार जो चलेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा, वचन सीधा है, वचन सत्य है, वचन जो पाएगा अनंत काल का जीवन पाएगा, वचन में जो हर एक बार लिखी है वो पूरी जरूर होगी, हो रही है और हमेशा होती रहेगी। हे पिता परमेश्वर, जब तेरा आगमन हो, जब तू आएगा, तो हम सबको अपने साथ लेके जाना पिता परमेश्वर, सब कुछ छोड़ के पिता परमेश्वर, हम सब आप पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु जी जब तू आए तो हम सबको अपने साथ लेके जाना पिता परमेश्वर, यहाँ पे छोड़ना नहीं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम सब पर, हर मसीहों पर प्रभु जी तेरा आशीष और दया का हाथ बना रहे, हर मसीहों की सहायता और मदद को पूरी कर पिता परमेश्वर, उसके हर एक इच्छा को जांच पिता परमेश्वर, उसके हर एक इच्छा को पूरी कर, जितनी संकट जितना दुख मुसीबत है सब यहोवा के सामने रखो, और यहोवा से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और तुम्हें उत्तर देगा, यहोवा तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा उत्तर देगा, उसके कान बहरे नहीं है जो तुम्हारी प्रार्थना को सुने नहीं, बल्कि आपको सच्चे दिल से यहोवा से प्रार्थना करना है, संकट के दिन यहोवा को पुकारो, तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। मेरा सच्चा परमेश्वर, उसकी आंखें हमेशा खुली रहती है, उसकी आंखें हरदम इंसानों पे जानवरों पे उसकी आंखें हमेशा लगी ही रहती है, वो कभी सोता नहीं है, वो जागता ही रहता है, चाहे जब प्रार्थना करो यहोवा तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हर मसीह को पिता परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर, वो तेरे प्रेम और तेरे पहचान में बढ़े पिता परमेश्वर, और हर एक सहायता मदद को पूरी कर पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हर मसीह को तेरे आड़ों में छिपाती हूँ पिता परमेश्वर, उन पर तेरा दया और आशीष का हाथ बना रहे पिता परमेश्वर, आज की रात तेरे चरणों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, रात भर हम सबको संभाल के रख पिता परमेश्वर, जीवित रख मेरे प्यारे प्रभु जी, ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मानती हूँ, आमेन।